बहनें, समझे आप लोग इस बात को, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बुद्ध कथा को समझने की जरूरत माताओं बहनों को है। अगर माताएं बहनें अपने आप को बदल ले, मतलब अपने जीवन में परिवर्तन कर ले, तो फिर घर घर में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पहुंच जाएगी। अगर हमारी माताएं बहनें अपने जीवन में बदलाव कर लें, और इस बात को हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, इस बात को अगर हमारी माताएं बहनें गहराई से समझ लें कि जब बाबा साहब नहीं थे माताओं बहनों, तो आपको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। आज जो हम इस मंच पर बैठ करके बोल रहे हैं, और आप इतनी संख्या में बैठ करके यहां पे कथा सुन रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। इसके लिए भी बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है। माताओं बहनों, अगर हमारी हर एक माताएं बहनें इस बात को गहराई से समझ लें कि आज हम जो कुछ भी हैं वो भाग्य और किस्मत की देन नहीं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की देन है, तो घर घर में बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पहुंच जाएगी। माताएं बहनें, अगर आप इस बुद्ध कथा को सुन रही हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि जो आपके जीवन में अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको बाहर निकालना होगा। और वो अंधविश्वास कैसा कैसा, माताएं बहने, हमारी अम्मा बहने क्या करती हैं, किसी भी स्थान पर जाती हैं, तो वहां पर सबसे पहले शब्द यही होते हैं कि हे देवी मैया, भूल चूक हो सो माफ करना, और हमका कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हमार तो आंधरी खोपड़ी हो, तुमका तीनों तिलोक दिखा। अम्मा बहनों, ये क्या है, यही अंधविश्वास है। आप किसी भी जगह पे जाती हो, हाथ जोड़ के कहती हो भूल चूक हो सो माफ करना, हमार तो आंधर खोपड़ी, तुमका तीनों तिलोक दिखा। अरे अम्मा बहनों, क्या सच में आपकी खोपड़ी अंधी है, बताइए। माताओं बहनों, क्या सच में आपकी खोपड़ी अंधी है, क्या सच में नहीं दिखता है? अरे दिखता है, क्यों नहीं दिखता भाई? आप जिनसे कह रही हैं, उनको तो सच में नहीं दिखता भाई, उनकी तो सच में पत्थर की आंखें। और आपको अम्मा बहनों तीनों तिलोक नहीं तो कम से कम 3 किलोमीटर तक तो दिखाई दे रहा। आपको 3 तिलोक नहीं दिखाई देते कोई बात नहीं, लेकिन 3 किलोमीटर तक तो सामने दिखाई दे रहा है, और फिर भी अपने आप को कहती हूँ हमारी यहां अंधेरी खोपड़ी। बताओ कितनी अंधविश्वास वाली बात है। मेरी अम्मा बहनों, संत कबीर जी ने एक बात कही है। संत कबीर जी ने कहा है, संत कबीर जी की वाणी में मिलता है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जा से तो चकिया भली पीस खाए संसार। संत कबीर जी ने क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मतलब अगर छोटा सा पत्थर पूजने से हरि मिलता, भगवान मिलता, तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूजता, मैं बहुत बड़ा पर्वत पूजता। भाई जब छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है, तो बहुत बड़ा पहाड़ पूजेंगे तो और जल्दी भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बावरी,
दुनिया ऐसी बावरी और पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। तो मेरी माताओं बहनों, इस प्रकार से हमारे अनेक महापुरुषों ने यह संदेश दिया है कि हमें इन अंधविश्वासों से बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए मेरी अम्मा बहनों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आपको सबसे पहले अपने जीवन को किस प्रकार से बदलना है ध्यान दें। कि बहना पूजो पति पथरिया मानो हमारी भोजी की। ससुर है इसलिए कहना है बहना मानो हमारी हो जी जी मानो हमारी बहना पूजो अति पथरिया मानो हमारी दया हो और भैया
पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में संघर्ष किया माता सावित्री बाई फूले ने। माता सावित्री बाई फूले जिनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र की धरती पर। माता सावित्री बाई फूले ने सबसे पहले नारी को बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। एक हमारी महान माता हुई माता रमाबाई, जिन्होंने हमारे आपके हक अधिकारों के लिए हमारे आपके लिए समझो अपने 4 बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। तो मेरी माताओं बहनों, ऐसी माताओं को जानो जिन्होंने आपके लिए पूरी जिंदगी कष्ट उठाया है, आपके लिए पूरा जीवन दुख सहा है। कैसे? सावित्री बाई फुले की बोलिए माता रमाबाई की।